Good morning students, our today's topic is Python. Let's continue with the Python. Today we are going to do further concept of Python, that is operators. Operators we are using to perform the calculations, like arithmetic calculations. We open the Python, it's our integrated development environment where we are working. ऑपरेशंस में क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन विच वी आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. लाइक इफ वी डू 200 प्लस 40, इट्स अवर एडिशन, एंड इफ वी प्रेस एंटर इट शोज अस रिजल्ट. एंड इन द सेम वे वी परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑल्सो, 100 माइनस 20 इट गिव्स अस रिजल्ट, एंड इट्स अवर arithmetic operators. And our second one is relational operators, greater than or is equal to. What we do in that, if we write 6 is greater than 1, then it shows that true. It gives an answer in the form of true or false. Like if I write something wrong at here, that 90 is greater than 100, then it's going to give us answer false. And then logical operators we are going to perform. Third is logical operators, where x is equal to, we are giving statement like x is equal to true. Today I told you that some of the keywords are in its memory. True is also from that, and we give that y is equal to false. Then after pressing this, x or y, it shows error. Why it shows error? Because we don't give it in the braces. Here what is this? I write here small f, then it gives me answer wrong, that it says that there is a error, we write something wrong at here. Then I write f capital, and then it takes it and give me the answer. And again we are doing this, like it's our logical operator, and if the statement is true, then it gives us answer in the true form. And next one is our assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, वी आर असाइनिंग द वैल्यू, लाइक एक्स इज इक्वल टू 30, हमने एक्स को वैल्यू दे दी कि ये 30 है. फिर हमने इसको बोला प्रिंट एक्स, एंड आफ्टर प्रेसिंग एंटर व्हाट इज डोज, it prints x. It's our assignment operator where we assign the value. And then our comment section. What is this comment section? When we press the hash button in before the line, if we press hash, see, I press here hash, and then I write something at here. Means it's a comment का मतलब होता है हमने सिर्फ इसको लिख दिया, ये हमारे नॉलेज के लिए कि हम फर्दर आगे क्या कर रहे हैं. लाइक मैं आगे एडिशन करा रही हूँ और ऊपर हेडिंग दे रही हूँ एडिशन, तो ये हमारे इस लाइन को रीड नहीं करेगा, कमेंट हो गया ये कि मैंने जैसे एक हेडिंग दे दी कि अपनी नॉलेज के लिए. ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है. एंड इफ आई वॉन्ट मल्टी लाइन कमेंट, देन ऑल्सो देयर इज अ ऑप्शन ट्रिपल कोट्स, आइदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस और इट्स इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स, बट थ्री टाइम्स होने चाहिए, देन ये हमारा मल्टी लाइन में कमेंट ले लेता है. लाइक अभी मैं लिखना स्टार्ट करूँ और सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन तक मैं लिखती रहूँ, वो मेरा कमेंट में ही जाएगा, वो इसमें एरर शो नहीं करेगा. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन द पाइथन? फॉर गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन
और वी वांट दैट हमसे कंप्यूटर कोई इंस्ट्रक्शन ले, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. लाइक सी, नाउ आई गिव द वैल्यू एट हेयर, नम इज इक्वल टू, नम स्टैंड्स फॉर नंबर, नम इज इक्वल टू इनपुट, नंबर की इनपुट दे इसमें और ये हमसे कहे कि एंटर अ नंबर. व्हेन वी प्रेस एंटर एट हेयर, इट गिव्स अस दैट एंटर अ नंबर. इसने हमें बोला कि आप नंबर एंटर कराओ. मैंने नम वैल्यू ऑलरेडी दे दिया, दैट्स वाई अब मैं इसमें कोई भी नंबर फिल करा सकती हूँ. लाइक आई राइट इट हेयर 23. सिंपल, इफ आई राइट नम देन ऑल्सो आई कैन गिव नंबर. सी, मैंने नम लिखा और इसने मुझे रिजल्ट शो कर दिया. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्लोटिंग एंड द नम एंड द फ्लोट. What happens when we write float at here? See, float, float में क्या करेगा, ये number को floating point की तरह हमारे write कर देगा. 23 and press enter. See, decimal लगा के इसने हमें इसका output दिया. It means it's our floating number. टिल नाउ ये हमारा क्या था, इनपुट के लिए. आउटपुट के लिए हम क्या देते हैं, आउटपुट के लिए हम इसको प्रिंट बोल, प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं. पाइथन यूजिंग प्रिंट फंक्शन टू गिव अस द आउटपुट. लाइक वी राइट इट हियर प्रिंट, सी आई राइट इट हियर प्रिंट एंड देन हेलो, इट्स फॉर आउटपुट रिजल्ट. It gives me output as a hello. Now, I'll tell you how to do the programming in the Python. Firstly, it's our interactive mode. इसमें हम अपने ये small small functions ही perform कर सकते हैं. ये हमारे functions को save नहीं करता. जैसे मैंने आज आपको दिन में भी बताया था. अब हम अपने script mode पे चलेंगे जहाँ हम अपने long programs को लिख सकते हैं. Firstly, click on this file and then open the new file menu. हमारे पास ये क्या आ गया, एक ब्लैंक अनटाइटल्ड नेम से ब्लैंक हमारे पास शेल ओपन हो गई, पाइथन शेल. इसको हम अब इसमें अपने लॉन्ग प्रोग्राम्स को रन करेंगे. हम सिर्फ मेन्यू बार प्रेजेंट करता है ये हमें और कुछ भी नहीं प्रेजेंट करता है ये हमें. सी आई राइट इट हेयर, फर्स्टली आई गिव द कमेंट सो दैट मुझे पता चल जाए कि मेरे प्रोग्राम में होने क्या वाला है. कमेंट लाइन को हमारी ये जो पाइथन है ये रीड नहीं करती है, ये सिर्फ कमेंट के लिए होता है. देन हम मैंने अपने प्रोग्राम में दिया कि दिस प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स, ये प्रोग्राम ऐड करेगा दो नंबर को. मैंने नंबर कैसे लिया, नम के लिए इसमें क्या देना पड़ा मुझे, नम, नंबर के लिए नम, नंबर वन. ये मुझसे पूछे इनपुट कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर, जहाँ इनपुट देते हैं वहाँ हमें इनपुट कराना पड़ता है. नंबर टू, नम टू, इनपुट कराएंगे हमसे सेकेंड नंबर. लेकिन याद रखना दोनों की टाइप क्या होगी, नंबर टाइप, फ्लोटिंग टाइप नहीं लेगा, डेसिमल वाला नंबर नहीं लेगा, ये सिंपल नंबर लेगा. सम क्या दे फिर ये मुझे, इंटीजर टाइप में ही ये मुझे सम दे. अभी मुझे क्या है, मैं अगर इसको रन करूंगी ये रन नहीं करेगा मेरा प्रोग्राम. ये कहेगा फर्स्टली सेव द प्रोग्राम, देन वी क्लिक ऑन द ओके एंड वी सेव इट फर्स्टली. हमारा ये सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया और मैंने इसको पाइथन 2 के नेम से सेव कर दिया. सेव, मेरा वो सेव ठीक से नहीं हुआ, को फिर से सेव करूँगी मैं. एक्सटेंशन जो हमें उसकी देनी होती है वो मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मेरा ठीक से हुआ या नहीं हुआ. .py सेव, ओके, पाइथन 2 इज ऑलरेडी देयर, दैट्स व्हाई इट सेज दैट. नाउ रन, सी एट हियर आई सेव द प्रोग्राम ऑल्सो एंड इनपुट करा दिया मैंने इसका कि ये मुझ से नंबर ले फर्स्ट, इंटीजर टाइप में दे और सेकंड भी. मैंने इसको सेव कर दिया. रन करेंगे, वी कैन प्रेस F5 ऑल्सो फॉर रनिंग द प्रोग्राम एंड रन मॉड्यूल भी हम प्रेस कर सकते हैं. सी हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमारा कौन से शेल में आएगा, आइडियली शेल में. ये हमारा कौन सा ओपन हो गया, हमारा सोर्स कोड जो है स्क्रिप्ट मोड में आएगा, स्क्रिप्ट मोड हमारा ओपन हो गया. एंटर फर्स्ट नंबर, एनी ऑफ द नंबर, 20 कर दिया मैंने. अब ये कह रहा है एंटर सेकेंड नंबर, मैंने 30 कर दिया. अब ये मुझे इसका आंसर दिखा देगा, सम क्या आ गया दोनों का, 50. इन दिस टाइप वी आर डूइंग द कोडिंग
उसके लिए हमें न्यू स्लाइड ओपन कर न्यू शेल ओपन करना पड़ता है एम्प्टी शेल एंड इट परफॉर्म्स आफ्टर दैट आफ्टर सेविंग ये रन कैसे करता है हमारी इस फाइल में सोर्स मोड में स्क्रिप्ट मोड में ये रन करता है. थैंक यू. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू द प्रोग्रामिंग. थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट.